देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी शहीद हुई टीम को पंजाबी महासभा सोलन के द्वारा माल रोड पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सोलन वासियों ने उनकी छायाचित्र के समक्ष कैंडल जलाकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। पंजाबी महासभा के अध्यक्ष विजयपुरी और अन्य सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा और शोक सम्मिलित शहीदों के परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति मिले ये प्रार्थना की। संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि 8 दिसंबर के दिन देश के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन भारत माता ने अपने वीर पुत्रों को दुर्घटना में खो दिया था। पंजाबी महासभा के अध्यक्ष विजयपुरी ने इस मौके पर कहा कि भारत ने इस घटना में सेना के अनमोल रत्न को खोया है। ये देश के लिए बड़ी क्षति है। इस क्षति को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय विपिन रावत की अध्यक्षता में सेना का मनोबल बेहद अधिक बढ़ा था, लेकिन आज उनकी और उनकी टीम के शहीद होने की वजह से सभी सेनाओं और देश की जनता को बेहद आघात लगा है। पंजाबी महासभा की तरफ से कल हुए हादसे में, जो कि हमारे CDS श्री विपिन रावत जी, जिनका देहांत हो गया और उनके साथ कई अन्य सैनिक अधिकारी भी शामिल थे, हम पंजाबी महासभा की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत ऐसे कार्य किए जिनकी जो कि हमें हम याद करेंगे, और उनकी जो जो आज आपूर्ति नहीं की जा सकती ऐसे सेनाध्यक्ष जो थे और उनके साथ जो सैनिक मारे गए, उनकी क्षति पूर्ण करना बहुत मुश्किल है।